चेयरमैन जीएनपुर ने जर्जर तालों को बदलने की उठाई मांग। विद्युत उपखंड अधिकारी जीएनपुर को पत्रक सौंपा। नगर पंचायत जीएनपुर के चेयरमैन हरशंकर यादव ने विद्युत आपूर्ति की बिगड़ी व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए विद्युत उपखंड अधिकारी जीएनपुर को पत्रक सौंप कर विद्युत तारों को बदलने की मांग की। डीओ जीएनपुर को मांग पत्र सौंपते हुए चेयरमैन ने कहा कि नगर पंचायत के नौसारा वार्ड के लोग कमर्शियल बिजली का भुगतान करते हैं, लेकिन उन्हें विद्युत ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति की जाती है जीएनपुर विद्युत उपकेंद्र के पूर्वी फीडर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विद्युत आपूर्ति की आती है। इसी फीडर से नगर पंचायत के नौसारा वार्ड के लोगों को भी बिजली मिलती है। एक तो बिजली कम मिलती है, दूसरे नौसारा मोहल्ले का विद्युत तार काफी पुराना लगा हुआ है, जिससे वह जर्जर हो गया है। विद्युत आपूर्ति होते ही आए दिन तार आपस में टकरा कर टूट कर जमीन पर गिर जाते हैं। नतीजन लोगों के जान का खतरा भी बना रहता है। चेयरमैन ने बताया कि जब हमारी नगर पंचायत की नौसारा वार्ड के लोग नगरीय बिजली का बिल जमा करते हैं तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से बिजली क्यों सप्लाई की जाती है? विद्युत की नियमित आपूर्ति के लिए तारों का तुरंत बदल जाना आवश्यक है। हमारे नगर पंचायत जीएनपुर में मोहल्ला नौसारा पड़ता है, उसमें वह बॉर्डर लाइन पे कुछ काफ़ी लोग ऐसे 50 घर लगभग होंगे और 100-150 परिवार हैं, तो ये लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं क्योंकि ये बिजली का बिल नगर पंचायत में देते हैं और बिजली आती है ग्रामीण इलाके से और वो भी तार बहुत जर्जर है और ये भीषण गर्मी और उमस के मौसम में लोग बच्चे इनके और ये परिवार बहुत काफ़ी परेशान है, बार बार तार टूट जाता है। तो मैंने SDO साहब से शनिवार को बात किया था, उन्होंने कहा था ठीक है कल बकरीद है और बकरीद के बाद सोमवार को आप आइएगा और इनकी समस्या चल के मौके पर हम देखेंगे। तो आज आए हैं तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई और उनका नंबर भी बंद बता रहा, लग नहीं रहा। आपने ज्ञापन दिया है, क्या है मामला की ज्ञापन के साथ क्या चाहता? हमने जाके मौके पर मुआयना भी किया था नौसारा में और जो बात बताई वो सही बात है। मामला मेरा ये है कि जो नगर पंचायत के हमारे निवासी हैं ये लोग चाहते हैं कि नगर पंचायत जीएनपुर के जो टाउन है उससे लाइन ली जाए और ग्रामीण अंचल का तार हटाया जाए वहाँ से और बहुत मामला बहुत बड़ा नहीं है। तो SDO साहब से आ जाते बात हो जाती है, मौके पर चल के देख लेते तो इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाता। हम उनके साथ मोहम्मद जलालुद्दीन सनाब ससार। क्या मामला था? मामला यही है कि हम लोग आए दिन तार टूटता है और खंभे से भी तार बनवाते हैं, हम बनवाते थोड़े से जाते हैं लेकिन उसके बाद भी परेशानी नहीं जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेयरमैन साहब के यहाँ आए और चेयरमैन साहब से कहा गया कि भाई टाउन का टाउन में कराएं और ग्राम सभा का ग्राम सभा में कराएं। और हरी मतलब जो जाते हैं लोग तो कहते हैं कोई टाउन का जोड़ा हुआ है तो कभी ग्राम सभा का जोड़ा हुआ है, एक में जोड़ा हुआ है। तो उस समस्याएँ होंगी मोहल्ले में कम से कम 100-150 से ज़्यादा आदमी की समस्याएँ हैं। कब से समस्या? अरे तो बहुत दिन से है, हम लोग बड़ा परेशान है, कम से कम 2-4 महीना। हाँ, इसके पहले कभी आपने ज्ञापन दिया? अरे हम लोग आए दिन अप्लीकेशन लिखवाते हैं कि तार टूट गया है और खम्भे मतलब तार टूट के जम्पल गिर गया है। नहीं, कार्रवाई करते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, जब हम लोग पैसा देते हैं तो उसके बाद होता है, जब पैसा वसूल के देते हैं तब ऐसा होता है, नहीं तो उस तरह नहीं टूटता। सिराजुद्दीन सनाफ मोहम्मद नौशारा जीएनपुर। आज क्या मामला था आप लोग? मामला यह है कि बहुत दिनों से जो है तार वगैरह जो है एकदम झज्जर पड़ा है, बहुत जगह से जोड़ ओड़ है और मोहल्ला नौशारा में इतनी दिक्कत है कि छोटे एक दिन जोड़ो दूसरे दिन टूट जाता है, तार गल जाता है, इतनी परेशानियां हैं कि हद से ज़्यादा किसी के गोद में बच्चा है एक महीने का, किसी का एक साल। हम लोग टाउन एरिया की बिल देते हैं, अगर मतलब यहाँ जो है चेयरमैन साहब के ज़रिए जो है SDO साहब से निवेदन है कि वो इस चीज़ को देखें और उसको दुरुस्त कराएं भाई, क्योंकि गर्मी का वो है और इतने लोग परेशान हैं पूरे नौशहरा के, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब के उससे जो है उनकी एरिया में है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया, वो SDO साहब से रिक्वेस्ट करें ताकि भाई उसका जो है टाउन में टाउन का टाउन में करें और जो उधर जो है प्रधानी में है उसका अलग करें। यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसकी समस्या हल की जाए, क्योंकि हर जब तार गिरता है तो भाई वो बता के थोड़ी नहीं गिरता, किसी समय दिन में गिरे रात में गिरे जान भी जा सकती है, इसके लिए जो है बड़ी दिक्कत है। इसको जल्द से जल्द और आजकल में ही इसका समाधान करें ताकि लोग इस चीज़ से राहत मिले।